आज की शुरू मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते रहते। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि P का P% बराबर कितना 36 हो तो P का मान क्या होगा, मीन्स P बराबर क्या होगा, आपको यही बताना है। यहाँ पे दिया क्या कि P का क्या P% बराबर कितना 36 हो तो P का मान क्या होगा, आपको यही बताना। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ इसको इस तरह से लिखिए, तो यहाँ से जो का मतलब यहाँ से क्या गुणा का मतलब, तो पी गुणे पी परसेंट, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से क्या दे आपको बटा दे, बटा कितना दे 100 दे। जब आप परसेंटेज हटाएंगे तो इसका बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 36 है, तो आप यहां से लिख लीजिए 36। अगर मैं इसका और इसका गुणा कर दूं तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको पी स्क्वायर मिल जाएगा, और इसका क्या 100 का गुणा इसमें क्या लिखित हो जाए 3600। ठीक है, अब यहां से पी स्क्वायर वाला कितना 3600 है, अगर मुझे क्या बताना केवल पी का मान बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है मैं इसको इधर कर सकता हूँ क्या, कड़ी भी इस तरह से कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। अब यहां से भी कड़ी से फ्री होगा 3600, इसका मान कितना देगा 60 देगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि P बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया, ये क्या आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग कितना 36 है, तो वह संख्या क्या होगी आपको ये बताना। अगर हम लोग मान ले माना वह संख्या कितनी एक्स है, अगर हम लोग मान ले माना संख्या कितनी एक्स है, तो संख्या के क्या 60% इसका निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना दी 100 दे। फिर यहां से क्या पूछा, संख्या क्या पूछा, संख्या के 60% का 3/5 भाग, यहां से जो का है इसका मतलब क्या यहां से गुणा है, तो 3/5। इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिला 36 मिला, तो यहां से इक्वल टू 36 हो गया। अब करने के देखिए यहां से कटेगा तो 20 3 60 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा कर ले कितना 9 मिल जाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा तो 9 4 36। क्लियर है, अब ऊपर आपका बचा क्या, ऊपर आपका केवल x बच गया और नीचे कितना बच गया यहाँ से 25। ठीक है, 25 का गुणा आप इधर करेंगे कितना 25 6 100 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि वह संख्या कितनी है 100 है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, किसी संख्या का 60% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या, मिस संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई संख्या है उसका 60% निकाल करके उसमें अगर आप 21 जोड़ लेंगे तो वह संख्या क्या फिर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बताना क्या आपको, वह संख्या क्या आपको यही बताना है। अगर हम लोग मान ले माना कि वह संख्या कितनी है एक्स है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले कि माना संख्या कितनी एक्स है, अब संख्या का क्या करना है आपको 16% निकालना है, तो यहां से क्या अगर 16% निकाले परसेंटेज हटाएंगे ये बटा कितना 100 दे देगा, यहां से आपका बटा 100 दे। अब इसमें क्या गया 21 जोड़ा गया, अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूं तो क्या कहा गया स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब स्वयं जो आपने संख्या x मानी थी पहले, माना संख्या जो आपने मानी थी कि नहीं मानी थी, माना संख्या x है। ठीक है, इस संख्या में क्या हुआ, इसका 16% निकाल करके जब आप इसमें क्या 21 जोड़ लेंगे तो ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी, मतलब कि x आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान फिर क्या मिल जाएगा, वही संख्या आपको मिल जाएगी, तो बताना क्या संख्या आपको बताना है, मतलब आपको एक्स का मान बताना है। तो यहां से काटी तो 4 4 16 गया, अगर आप इसको काटे कितनी बार कटे 25 बार कटे। ठीक है, अब यहां से करना है कि आपको एक्स से यहाँ पे भी टर्म दिख रहा है और एक्स यहाँ पे भी। ठीक है, इसका गुणा करें कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस एक्स को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस, और मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ ये कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 में से 4x घटा लेंगे कितना हो जाएगा -21x बचेगा, और नीचे कितना आपका ये 25, इधर आपका कितना हो गया -21 है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये माइनस में माइनस कट गया और 21 से भी 21 कट गया, तो यहां से x बराबर क्या तेरे गुणा कर लिए x बराबर कितना गया 25 आ गया। ठीक है, अर्थात वो संख्या कितनी है 25 है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया कि इसमें ये कहा किसी संख्या का 16% निकाल करके उसमें अगर 21 जोड़ लिए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। मैंने आपको क्या बताया कि माना संख्या x है, अगर आप इसका 16% निकाल करके जब आप इसमें 21 जोड़ेंगे तो यह संख्या आपको स्वयं प्राप्त हो, करने के साथ सॉल्व करके यहां से x का मान बताना आप एक आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान कितना 16/55 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या थी आपको ये बताना। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखिए, कहा कि अगर मैं मान लो कोई भिन्न रहेगी प्राणी भी ए बटा बी मान सकते, आप एक्स बटा वाई भी मान सकते हैं। हम लोग मान ले माना मूल मूल व्हील कितनी थी, ए बटा बी। अब इसमें कहा क्या गया कि अंश को क्या कर दे, 20% कम कर दे। तो इसका अंश जो भी अपने आप में होगा, अगर मैं बात कर लूं तो पहले पहले शुरू में जो भी इसका अंश होगा अपने आप में 100% होगा। इसका हर भी तो अपने आप में 100% होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि अंश को 20% क्या कर दे, कम कर देगा। तो इसका अंश कितना अपने आप में 100% है। अगर इसको 20% कम कर दिया तो बच्चा कितना आपका 80%, कह सकते हैं अंश कितना बच गया आपका 80% यहां से बच गया, ठीक है, सॉरी 80% आपका ये बच गया। अब इसमें ये कहा गया कि हर को क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। इसका हर अपने आप में 100% है, अगर ये 10% बढ़ा दे तो ये कितना हो गया, 110% हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, 16/55 प्राप्त हो रहा है। यही तो कहा गया, इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिला, 16/55। तो आपको बताना क्या प्रारंभिक भिन्न क्या, आपको ये बताना है। मतलब यहाँ से आपको क्या करना, ए बटे बी का मान आपको बताना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए, ये 0 से 0 इसका काटिए, इसको काटिए 8 × 2 कितना 16 हो गया, इसको काटिए कितनी और कटिए, तो 11/5 55 हो गया, ठीक है। अर्थात इधर से आपका ए बच गया और ए बटे बी बच गया, इधर कितना बच गया आपका 2/2, अर्थात कह सकते हैं कि प्रारंभिक भिन्न कितनी है, 2/5। ये क्या है, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे आपका अनुत्तीर्ण रहेगा, अनुत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है उसमें से 70% क्या हो गए, उत्तीर्ण का मतलब क्या, यहाँ से पास हो गए, उत्तीर्ण का मतलब क्या, यहाँ से पास हो गए, और 420 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल हो गए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है आपको ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं मान लो कोई एग्जाम हो रहा है या कोई परीक्षा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थियों की संख्या होगी ये अपने आप 100% होगी। अब इसमें हुआ क्या, अगर 70% क्या पास हो जा रहे, अगर इसमें से 70% क्या विद्यार्थी पास हो, तो फेल कितने होंगे इसमें, इसमें से घटा ले कितने फेल हो गए आपके, 30% क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल आपके कितने हुए, 30% फेल हो गए। और क्वेश्चन में क्या दिया कि संख्या में कितना फेल हो रहे, 420 विद्यार्थी क्या हो रहे, अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल हो गए। तो कह सकते हैं ये जो फेल है परसेंटेज में 30% फेल हो रहे और संख्या में इतना भी 420, तो कह सकते हैं ये दोनों बराबर होंगे। आप यहाँ से इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से बराबर करेंगे, ठीक है। अगर इससे इसमें भाग दे, ठीक है, अगर आप इससे क्या करें इसमें भाग देंगे, तो ये पूरा आपका 1% आपका मान आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका 1% का मान आएगा। तो विद्यार्थियों की जो भी संख्या होगी अपने आप पे 100% होगी। अगर आप इसमें 100 से गुणा कर लें तो सभी विद्यार्थियों की संख्या आपको पता चलेगी। तो ये 0 से 0 कट गया, इधर काटे कितना, 3 × 1 = 3 हो गया और 3 × 4 = 12। यहाँ से गुणा कर लिए तो कितना, ये 1400, अर्थात कह सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1400। ये क्या आपका आंसर है। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अब वो तरीका देखते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा कि अगर जो भी परीक्षा हो रही है इसमें 70% क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, और इतने आपके फेल हो गए। तो जो भी परीक्षार्थियों की संख्या रहेगी अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से 70% क्या पास हो गए तो फेल कितने हुए, 30% फेल हुए कि नहीं फेल। अब यहां से आपको क्या दिया, संख्या में कितने फेल हो रहे, 420। कह सकते हैं अगर परसेंटेज में देखा 30% फेल हो रहे और संख्या में कितना, 420, तो करने के इसमें 30 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, आपको क्या देगा, आंसर देगा। मैंने इसको क्या बताया, आपको करने के इसमें 30 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिए, ये क्या आ जाए आपका आंसर है। तो 3 × 3 = 3 × 4 = 12, यहाँ से गुणा करिए कितना, 1400, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 1400 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं देखो वैसे इस क्वेश्चन को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिलहाल आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें कहा क्या है कि ये करके 10 मिनट में कितनी दूरी तय कराइए, 10 मिनट में कितना दूरी तय कराइए, 1 किलोमीटर तय कराए। तो पूछा क्या आपसे, एक घंटा का मतलब कितना कह सकते हैं, 60 मिनट, यही ना, कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। अगर ये 10 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है, इसको 60 करने के लिए आप कितने से गुणा करना पड़ेगा, वो 6 से करना पड़ेगा, तो 6 से आपको बराबर करने के लिए इधर से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ से कितना जाइए तो ये 60 मिनट हो गया, मतलब कि 1 घंटा हो गया, इसमें गुणा करें कितना जाइए 6। अर्थात कह सकते हैं कि 1 घंटे उसकी चाल कितना जाएगी, 1 घंटे वो कितना दूरी तय करे, 6 किलोमीटर तय करेगा। अर्थात हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि उसकी चाल कितना हो गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, अगर वो क्या करे 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करे, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।